नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मुलानी। प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और फुल टाइम एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ट्रेनर। सबसे पहले मैं मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरी कंपनी का नाम है एटलांटिको इंटरनेशनल और हमारी वेबसाइट है www.atlanticointernational.com, जिसके द्वारा हम पिछले 5 साल से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस जो है वो एक्सपोर्ट है। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द डिस्पोजेबल सर्जिकल मेडिकल प्रोडक्ट, जिसका हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है भारत उड़ान मिशन, जिसके द्वारा हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो सच्ची माहिती है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में कि एक्चुअली ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है क्या, जो भी हम मानते हैं और जो भी हमारे माइंड में सेट हुआ है, क्या यही बातें सब सही है या इसमें बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करें तो सिंपल भाषा में अगर एक्सपोर्ट हम कहना चाहें तो किसे कहेंगे एक्सपोर्ट? कोई भी प्रोडक्ट को आप अपने कंट्री से बाहर के कंट्री में भेजते हैं और उसके सामने अगर आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं तो हम इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट को जो बाहर की कंट्री से हम यहाँ लाते हैं और उसके सामने हम फॉरेन एक्सचेंज को उनको दे तो उन्हें बोलेंगे हम इंपोर्ट। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में। थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास फॉरेन बायर आपका यूएस के अंदर है और उसके पास से आपको 10 लाख रुपए का ऑर्डर आता है कोई भी चीज बनाने के लिए। मैं यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरा चार्ट है एक्सपोर्ट के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या प्रोसेस हो रही है। आपके पास 10 लाख रुपए का एक बार अगर ऑर्डर आ जाता है, इसके बाद आप ड्यूरिंग गुड्स बनाने के टाइम पे साथ में सीएचए को कॉन्टेक्ट करते हैं, जहां पे सीएचए का टर्म होता है इसको बोलते हैं हम कस्टम हाउस एजेंट। ये कस्टम हाउस एजेंट का एक्चुअली काम क्या है, तो जो आपके बिहाफ में जितना भी शिपिंग लाइन के अंदर काम करना है, मान लीजिए यहां से आपको गुड्स बाहर भेजना है तो गुड्स के लिए शिपिंग लाइन बुकिंग, कंटेनर बुकिंग एंड पूरा का पूरा यहां से जो प्रिपरेशन करना होगा वो ये आदमी करेगा। सो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के अंदर आप अपना गुड्स एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप सीएचए को कॉन्टेक्ट करिए, सीएचए आपके बिहाफ में शिपिंग लाइन बुक करेगा, कंटेनर भी बुक करेगा और ये गुड्स जो है वो आप उसको पहुंचाएंगे, उसके बाद वो कस्टम क्लियरेंस करवा के गुड्स को शिप के अंदर लोड करेगा। जैसे ही आपका गुड शिप के अंदर लोड होता है तुरंत आपको शिपिंग लाइन बिल ऑफ लेडिंग देती है। बिल ऑफ लेडिंग, लेडिंग वर्ड यहां पे बताता है कि आपका गुड्स एक बार शिप के अंदर लोड हो गया, तो बिल ऑफ लेडिंग मिलने के बाद आपका गुड्स यहां से रवाना हो जाएगा और सामने वाले कंट्री में वो पहुंचेगा और उसी के दरमियान आपको मिलेगा शिपिंग बिल। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपनी पार्टी को भेजिए, पार्टी आपके पास से डॉक्यूमेंट रिसीव करके उसके बिहाफ में अपना गुड्स जो छुड़वा लेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल एक्सपोर्ट, जिसके अंदर पार्टी आपको या तो एडवांस में पेमेंट करती है या तो और किसी भी टर्म को यूज करके पेमेंट करती है। सो सिंपल सी एक चीज है एक्सपोर्ट के अंदर, और कोई क्लमसीनेस नहीं है जो भी हमने देखा और अभी जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट द सिंपल एक्सपोर्ट। हाँ, अगर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी आदमी के साथ और किसी भी बायर के साथ आप जो बात करेंगे वो ओनली ओरली होगा, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस आपका रिलाई करता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत यह है कि पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं इंपोर्ट की, कि हम किसे इंपोर्ट कहेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट के लिए हम मार्केट स्टडी करेंगे कि मार्केट के अंदर किस चीज की अभी डिमांड है, या तो कौन सी चीज अगर हम मार्केट के अंदर लाते हैं तो पर्टिकुलरली वो हम बेच के रुपए कमा सकते हैं। तो एक बार मार्केट स्टडी करने के बाद सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। एक्सपोर्ट कर रहे हैं या तो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड इज नेसेसरी। सो सबसे पहले आपको ये निकलवाना पड़ेगा। एक बार आपके पास ये कोड आ जाता है उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी अप्रूवल्स की। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को चेक करके पहले ये चेक कर लीजिए कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट आपके रेस्ट्रिक्शन या तो प्रोहिबिशन लिस्ट में तो नहीं आ रही है, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन लिस्ट के अंदर रखी हुई है, या तो आप चीज उस चीज के किसी एक पार्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं या तो पूरी चीज को आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि राइट नाउ गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें दूध के साथ
बनती है और दूध से जो जितनी भी चीजें बनती है ऐसी चीजों को चाइना से बैन किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप चाइना से नहीं मंगवा सकते हैं जब तक कि नया नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जो रेस्ट्रिक्शन या तो प्रोहिबिशन में आती है और अगर आपको उसको मंगवाना है तो आपको आगे से अप्रूवल गवर्नमेंट के पास लेना पड़ेगा। डिटेल में जानकारी हम आगे की वीडियोज में देखेंगे, राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसका पेमेंट करते हैं एलसीओ डीटी में, वॉट एवर द पेमेंट टर्म यू हैव डिसाइडेड। देन आफ्टर कस्टम में आने के बाद आप उसकी टैक्स एंड ड्यूटीज पे करते हैं। आपका सीएचए आपके बिहाफ में कस्टम के अंदर से वो प्रोडक्ट को छुड़वा के आपके तक पहुंचाएगा, आपके वेयरहाउस तक पहुंचाएगा। उसके बाद आप मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बेचिए। दिस इज कॉल्ड द सिंपल इंपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इट इज द वाइस वर्सा ऑफ एक्सपोर्ट। जैसे कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी पार्टी इंपोर्ट कर रही है, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी पार्टी एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे जो अच्छी चीज है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर ये वो है कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है ये सारा का सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक ही सिस्टम से हो रहा है, क्योंकि WTO कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके 187 मेंबर कंट्रीज है दुनिया के अंदर, ये सारे के सारे कंट्रीज जो उसके मेंबर्स हैं वो एक ही गाइडलाइन को फॉलो करके पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे अपने लोकल बिजनेस में होता है कि पर्टिकुलरली कोई एक चीज के लिए जो भी बिजनेस के नियम्स है वो जो रूल्स है वो डिफरेंट है और दूसरी प्रोडक्ट के लिए जो रूल्स है वो डिफरेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इसके जो रूल्स है वो एक समान है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही ये बिजनेस का चार्म है कि इसके अंदर पूरा जो सिस्टम है वो पहले से सेट है, यू जस्ट हैव टू सेट योर सेल्फ इन दैट सिस्टम पर्टिकुलरली। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर चीज पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट। आई एम नोइंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड व्हाई एनी नेशंस रिक्वायर अ एक्सपोर्ट। कोई भी अगर आप कंट्री दुनिया के अंदर पकड़ लेते हैं तो हर कोई कंट्री इंपोर्ट कम करना चाहेगा जबकि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा करना चाहेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है कि हर किसी कंट्री के पास सारी चीजें नहीं होती है और हर कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जो सारी चीजें बनाकर अपने लिए वो खर्च कर सकता है। सो हर किसी कंट्री को या तो एक्सपोर्ट करना जरूरी है और या तो इंपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज विदाउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक भी कंट्री सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है ये सारे के अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फिगर देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, मैं आगे जाके इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए चार्ट का सब्जेक्ट क्यों रहा है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदौलत हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं, और उसके सामने हम जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके सामने हम फॉरेन एक्सचेंज को गवा रहे हैं। अब ये होता क्या है, बात यहाँ पे आती है ट्रेड डेफिसिट की। अब देख लीजिए कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो करीबन 22 लाख करोड़ सालाना है और हमारा जो इंपोर्ट है वो करीबन 33 लाख करोड़ सालाना है। अब ये जो 11 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रेड डेफिसिट गिरता है वो ट्रेड डेफिसिट गवर्नमेंट के लिए हेडेक है, क्योंकि आप सिंपल से बात में समझिए कि जितना भी रुपया हम यहां से बाहर भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज में उतना रुपया हम कमा नहीं सकते हैं, और अगर इतना रुपया हम कमाते नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए सब जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी की बदौलत हर कोई गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। सो इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये सोचकर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स एक्सपोर्टर के लिए लिए हुए हैं कि जिसकी बदौलत हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हम भी दुनिया के आगे जाके दुनिया के अंदर अपना रैंक खड़ा कर सके। चलिए थोड़ी मैं आपको डिटेल में बात करता हूं डेटा के साथ कि टोटल हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है और पर्टिकुलरली हम इतने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ दुनिया में कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो करीबन करीबन पिछले 4 साल के एवरेज में देखें तो 22 लाख करोड़ के अराउंड है। 22 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, कैन यू बिलीव। हमको लगता है कि पर्टिकुलरली हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाती है तो उसके सामने पैसा नहीं आता है, फॉरेन बायर ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, कोई पैसा देता है क्या, मेरी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, मुझे एक्सपोर्ट आता नहीं है, मैं एक्सपोर्ट कैसे करूं, मेरी प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं, ये सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में है
बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल है. देन ऑल्सो वी आर डूइंग द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 22 लाख करोड़ एंड दिस इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स आई एम शोइंग यू. अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो ये आपके सामने स्क्रीन पर फिगर दिख रहे हैं. वी आर डूइंग अ टोटल इंपोर्ट ऑफ 33 लाख करोड़ ईयरली. आप सिंपल सी बात में समझ सकते हैं, अगर इसका आप क्यूमुलेटिव बनाते हैं ये होता है 55 लाख करोड़ करीबन. यानी कि हमारी टोटल जीडीपी का अराउंड 50% हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट एग्जैक्टली नोइंग दैट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. सो व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है. मैंने जो रीजन फाइंड आउट किए हैं मेरे हिसाब से, उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि हम ये ट्राई नहीं करते हैं, कि ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट्स दे रही है, और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इतना अच्छी तरीके से इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि चलिए लोगों तक जाके उनको बताए कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए. दिस इज व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम. सेकेंड द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये आना जरूरी है कि पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है और इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिल सकता है. चलिए इसके अंदर तो गवर्नमेंट आगे जाके काम करेगी. आई होप कि जो काम अभी हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ये अगर कंटिन्यूस रहा तो बिल्कुल आप जान पाएंगे कि 8वीं दौरान से आगे सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर और स्टडी के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर ये आके रहेगा कि भाई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है. अब हम बात करते हैं कि 22 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है और 33 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, तो दुनिया के अंदर जो टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है इसमें हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट नाउ दीज आर द वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्टर. यू विल बी गोइंग टू अमेज दैट कि चाइना टोटल 152 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के साथ दुनिया के अंदर पहले नंबर पर एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स कि दुनिया का कोई भी कंट्री मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है. और अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देख रहे हैं कि हम 19 नंबर के पायदान पे है और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 22 लाख करोड़ है. थोड़े फिगर्स आप ऊपर भी देखिए, इट इज द अमेजिंग फिगर दैट हांगकांग हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 72 लाख नियर अबाउट पीपल ओनली and they are doing the total export of near about 34 lakh crore. So problem kahan pe hai, kyun hum export ke andar itna aage nahi hai, kya hum nahi maan sakte ki hamare paas bhi wo particular geographical proportion hai, hamare paas bhi wo demographical proportion hai ki jisse hum china ko bhi takkar de sakte hai aur second number pe united states ko bhi takkar de sakte hai. या मैं मानता हूं इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट द फिगर सेड दैट कि हम आज भी 134 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ 19 नंबर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दोस्तों. तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इनसाइड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अगर हम बात करें इंपोर्ट की, अमेजिंग फिगर्स यहां पे भी बहुत सारे हैं. हमको लगता है कि हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते होंगे क्योंकि नेचुरली जितनी भी चीजें हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से 4 से 5 चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो तो बाहर से कंट्री से ही होती है. लेकिन द फिगर सेज समथिंग एल्स. नाउ यू कैन सी ऑन द पर्टिकुलर योर डेस्कटॉप दैट द टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है यूएसए. सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा ख्याल होता है कि जितनी भी कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सबसे कम इंपोर्ट करते होंगे. क्यों? क्योंकि उनको जो चीजों की जरूरत है वो तो बना ही लेते होंगे. लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है. प्लीज अपने दिमाग से ये सारे के सारे ख्याल निकाल दीजिए. आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे कि जितने कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे वही कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर रहे हैं. इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जितने भी कंट्री यहां पे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रॉ मटेरियल की जरूरत है. मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल है और बहुत सारे ऐसी फिनिश गुड्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका यूज अपनी प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं और उसका वो री एक्सपोर्ट करते हैं. यू कैन चेक आउट द फिगर कि यूएस हर साल 152 लाख करोड़ का इंपोर्ट करता है. इट मीन्स दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर उसके सामने अगर हमारी इंपोर्ट की बात करें तो इट इज ओनली 33 लाख करोड़. इट इज मोर देन 5 टाइम्स देन अस.
सेकेंड नंबर पर आप चाइना देखिए, 10.26% के हिसाब से वो 131 लाख करोड़ का इंपोर्ट करता है, जबकि हमारा इंपोर्ट है 33 लाख करोड़ का। जितने भी कंट्री ट्रेलिंग में आप देख रहे हैं, वो सारे ऐसे कंट्री जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा था। ये फिगर्स जो है वो मेरे खुद के नहीं है, ये फिगर्स विकिपीडिया और आईटीसी डेटमैप के ऑथेंटिकेट डेटा से है। ये बताता है कि दुनिया के अंदर कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन से कंट्री के द्वारा हो रहा है। दिस अमेजिंग फिगर शोइंग दैट कि यस देयर इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर इनसाइड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लेट्स सी कि मुझे पता है कि देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड एज राइट नाउ इट इज शोइंग ऑन द स्क्रीन दैट कि क्या एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं और क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ और कैसे हम एक्सपोर्ट करें, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंपनी को खड़ा करने के लिए चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट हमको किस तरीके से हेल्प और बेनिफिट्स देती है, बायर को कैसे फाइंड करें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, इस बिजनेस में रिस्क कितना है, बायर्स की गारंटी क्या है कि वो आपको सामने जाके पैसा देगा, रिलायबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट कि हम अपनी प्रोडक्ट अगर दुनिया के अंदर सेल करना चाहते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है, कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। मुझे पता है कि ये वर्ड जो है वो बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन मेरी बात मानिए दोस्तों, ये वर्ड में कुछ नहीं है, इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमको खुद को करना होगा, ये सारा काम करने के लिए एजेंसीज अवेलेबल है और ये सारा काम वही करेंगे। सो व्हाट इज द कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई स्टार्ट एंड वो कैन स्टार्ट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। चलिए दोस्तों, तो आज की बात यहां तक रखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आगे के वीडियो में आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कॉमेंट और शेयर करें कि जिससे हम ज्यादातर लोगों के साथ ये बातचीत कर सकते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर। आपका अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके प्रॉपर आंसर देने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम भारत उड़ान मिशन एंड अटलांटिको इंटरनेशनल। थैंक यू।